हाय गाइस, हाउ आर यू? होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक हो. मैं भी ठीक हूँ. और आज मैं आप लोगों के लिए ये मेरी रिकमेंडेशन वीडियो बना रही हूँ, जिसमें के बैथ एंड बॉडी वर्क्स की जो बॉडी मिस्ट है, जो मैं रेकमेंड करती हूँ. अगर आपको भी इसी तरह की जैसी सेंट्स मुझे पसंद हैं, तो होपफुली ये हेल्पफुल हो आपके लिए वीडियो. तो मैं आपको इसके कुछ नोट्स वगैरह भी बता दूँगी, और कैसी इनकी स्मेल वगैरह है, सारी आपको इसका रिव्यू दे दूंगी, ताकि फिर आप अगर परचेस करना चाहें इनमें से कोई भी, तो आपको इजीली पता हो कि ये इसके नोट्स क्या हैं. तो ये हैं पांच, मेरे पांच ही है ना, एक दो तीन चार पांच. हाँ, ये पांच रिकमेंडेशंस हैं जो मैं आपको दे देती हूँ. वैसे तो अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लें. और भी वीडियोस हैं, विक्टोरिया सीक्रेट की भी हैं और बैथ एंड बॉडी वर्क्स की भी हैं, जिसमें के बॉडी स्प्लैशेस एंड बॉडी क्रीम्स वगैरह और अरोमा थेरेपी की भी हैं. तो वो वीडियोस भी अगर आप देखना चाहें तो फील फ्री एंड वॉच दोज वीडियोस. तो चले मैं शुरू करती हूँ. ये वाली जो है परफेक्ट पेयोनी, ये इनकी न्यू लाइन है. शैम्पेन रोज भी न्यू है. बीच जो है वो काफ़ी सालों से है इनके कलेक्शन में, और बहुत ही अच्छी सेंट है. मैं भी आपको इनके नोट्स भी डिटेल में बता देती हूँ. और ये वाली भी पुरानी सेंट है, और ये बिल्कुल लेटेस्ट सेंट है, गोल्डन सनफ्लावर. तो पहले हम इससे शुरू करते हैं, परफेक्ट. एक हाथ से मैं अपना सेल को पकड़ा हुआ है, तो एक हाथ ही यूज़ कर रही हूँ. तो ये है परफेक्ट पियोनी, और इसके जो नोट्स हैं, पियोनी सबको पता है कि वो फ्लावर है, और इसमें ब्लेंड ऑफ पियोनी, नेचुरल एप्पल ऑयल एंड वनीला सैंडलवुड. तो ये बहुत ही अच्छी सेंट है. समर, विंटर, फॉल सब में आप पहन सकते हैं इसको. अगर आपको फ्लोरल सेंट पसंद है तो ये आपको बहुत पसंद आएगी. इसमें मोर प्रोमिनेंट नोट जो है पियोनी का, तो जाहिर आ ही रहा है पियोनी फ्लावर का, मगर एप्पल, और फिर इसका ड्राई डाउन जो है वो वनीला सैंडलवुड है, जो कि बहुत ही परफ्यूमी सी सेंट है, और अच्छी ये काफ़ी देर तक लास्ट करती है बॉडी पे. वरना अदरवाइज बॉडी बॉडी मिस्ट जो है वो इतना ज़्यादा लास्ट नहीं करते. मे बी 3 आवर्स और सो लास्ट करते हैं बॉडी पर, मगर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंट है. और मैं बार बार इसको स्मेल कर रही हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ सही से. तो ये काफ़ी देर तक आपकी बॉडी पर रहेगी, और बहुत ही अच्छी सेंट है. अगर आपको ऐसे वनीला एंड सैंडलवुड और पियोनी, ज़ाहिर फ्लावर फ्लावरी सेंट्स अगर पसंद है, तो गो हैड एंड परचेज दिस वन. परफेक्ट पियोनी. अच्छा जी, अब ये दूसरी है शैम्पेन रोज. आई थिंक मैं पहले भी इसका रिव्यू दे चुकी हूँ, मगर मेरी जो रिकमेंडेशंस हैं, बहुत सारी इनकी बैथ एंड बॉडी वर्क्स की कलेक्शन तो बहुत ही बड़ी है, तो उसमें से जो मैंने पांच चूज़ किए हैं कि जो मुझे बहुत ही पसंद है, और मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करती हूँ. तो शैम्पेन रोज की भी अगेन फ्लोरल सेंट है, और इसके नोट्स में जो हैं, खैर मैं अपने कंप्यूटर पर डाल लूँ ताकि आपको सही से बता सकूँ इसके नोट्स क्या हैं. तो ये फ्लोरल एंड स्वीट सी सेंट है, और ये भी काफ़ी देर लास्ट करती है बॉडी पर. एक मिनट, में ज़रा इधर कंप्यूटर पर लगा देती हूँ ताकि नोट्स जो है मैं आप लोगों को दे सकूँ. शैम्पेन रोज का भी आ नहीं रहा, ठहरे एक मिनट. हाँ जी, तो इसमें रोज एंड शैम्पेन एंड ये वाले सेंट्स हैं इसके. तो ये काफ़ी रोजी ऑफ कोर्स है ही, मगर कोई ऐसा रोज़ जैसे ओल्ड फैशन रोज़ नहीं है. बहुत स्वीट सी इसकी सेंट है,
ऐसे स्वीट, ऐसे कैरमल्स इसमें सेंट आती है लगाने के बाद, बिल्कुल रोज़ रोज़ सेंट नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी इनकी सेंट है जनाब, शैम्पेन रोज़। ये भी मैं आपको रेकमेंड करती हूँ। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं बीच, बीच सेंट जो है वो एक मिनट, इसके भी नोट्स इधर लगा लेती हूँ मैं ताकि बेटर डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दे सकूँ। रिफ्रेशिंग ब्लेंड ऑफ वाइट फ्रेंगिपानी ब्लॉसम, टोस्टेड कोकोनट, बर्गमान वाटर, सी सॉल्ट ब्रीज एंड सन किस्ड मस्क। तो ये जो सेंट है ये ऐसे है जैसे फ्रेश आउट ऑफ शावर सेंट होती है ना, कि आप बस अभी शावर लेकर आए हैं, और बहुत ही अच्छी सी सेंट है इसकी, और बहुत देर तक ये भी लास्ट करती है। तो इसमें अगर आपको कोकोनट और बर्गमान इस तरह के नोट्स पसंद हैं अपने परफ्यूम में, तो ये आपको बहुत अच्छी लगेगी, और ये भी वेरी लॉन्ग लास्टिंग है स्किन पर। तो इसके कुछ ऐसे ही नोट्स हैं जो कि हैं टोस्टेड कोकोनट, बर्गमान वाटर, सी सॉल्ट ब्रीज एंड सन किस्ड मस्क। बहुत अच्छी सेंट, मेरी फेवरेट सेंट है, इसको मैंने ट्रैवल साइज़ में भी दिया है, छोटा साइज़ जो होता है ट्रैवलिंग के लिए। ये थी हमारी थर्ड सेंट विच इज़ बीच, एट द बीच, एक्चुअली इसका नाम है एट द बीच। इसकी पैकेजिंग भी बहुत प्यारी है, और ऐसे बीची सा कलर भी है इसका, और बहुत ही जैसे वेकेशन टाइप सेंट, बहुत अच्छी सेंट है। इसको मैं फ्लोरल नहीं कहूँगी, इसमें हालांकि फ्लोरल नोट है, मगर ये क्लीन सेंट, आई वुड से कि जैसे क्लीन सेंट होती है उस तरह की है, कोकोनट बर्गमांड ऐसे अच्छी सी सेंट है। फिर नेक्स्ट सेंट पर आ जाते हैं, जो कि मेरी बहुत ही, वैसे तो ये पांचों बहुत ही फेवरेट है, मगर ये तो मैं इसको आधा अभी ख़त्म ही कर चुकी हूँ, पता नहीं आपको ये कैमरे में नज़र आ रहा है या नहीं, तो बस ये ऑलमोस्ट इससे डन होने वाली हूँ मैं। ये है जनाब बाली कोकोनट, ब्लैक कोकोनट सैंड्स। तो इसका भी जो नोट्स हैं इसमें वो कोकोनट नोट्स हैं, जैसे कि इसका नाम है। तो ये भी बहुत ही क्रीमी सी सेंट है, वेरी क्रीमी सेंट। मैं आपको स्प्रे करके फिर से बेटर डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, वेरी क्रीमी। और फिर जो ड्राई डाउन है इसका वो है मस्क। तो अगर आपको कोकोनट और मस्क सेंट पसंद है तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये है बाली कोकोनट। अब हम इसका देते हैं आपको रिव्यू गोल्डन सनफ्लावर। तो जी गोल्डन सनफ्लावर जो है ये अभी ही मैंने रिसेंटली परचेस किया है, क्योंकि ये इनकी न्यू लाइन है, और ये फॉल के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, फॉल और विंटर के लिए। तो इसकी जो खुशबू है वो भी वेरी लॉन्ग लास्टिंग है, और बहुत ही अच्छी, अगर स्वीट ऐसे कैरमलाइज्ड आपको सेंट्स पसंद हैं, और ऐसे परफ्यूमी सेंट्स जो नाइट टाइम परफ्यूम्स होते हैं उस तरह की सेंट है इसकी, गोल्डन सनफ्लावर फाइन फ्रेग्रेंस मिस्ट। अच्छा जी, इसके नोट्स हैं रेडिएंट ब्लेंड ऑफ सनफ्लावर पेटल्स, ऑरेंज फ्लावर एंड फ्रेश वनीला। तो इसमें सबसे पहला जो नोट है वो ऑफ कोर्स ज़ाहिर सनफ्लावर है, अगर आपने सनफ्लावर को स्मेल किया है तो यू नो के हाउ सनफ्लावर स्मेल लाइक। मगर इसका जो ड्राई डाउन है वो बहुत ही मज़े का, ऐसे फ्रेश वनीला और ऑरेंज फ्लावर जब जैसे मिक्स कर देते हैं ना, जैसे ऑरेंज का जैसे जेस्ट होता है उसको अगर आप वनीला के साथ मिक्स कर देना, तो उस तरह का ड्राई डाउन हो जाता है, और बहुत ही यूनिक सेंट है इसकी। तो ये इन सब से डिफरेंट है ज़ाहिर है, ये फ्लोरल सेंट से, हालांकि ये भी फ्लोरल सेंट में ही है, मगर
इसका ड्राई डाउन जो है वो बहुत ही मस्की सा, वनीला सा और ऑरेंज फ्लावर मिक्स सेंट है इसकी, और वेरी लॉन्ग लास्टिंग, 5 to 6 आवर, और आपको बहुत सारे इसमें कॉम्प्लीमेंट भी मिलेंगे। मैं तो सेंट्स अपने लिए यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बाय करती हूँ। इवन नाइट टाइम पे भी सोते हुए भी लगा के सो रही होती हूँ, और सारा दिन जो है वो भी स्प्रे करती रहती हूँ। आई लव जस्ट सेंट्स, तो इसलिए मैं बाथ एंड बॉडी वर्क्स और विक्टोरिया सीक्रेट से ख़रीदती रहती हूँ। कई लोगों को कपड़े और यू नो ब्रांड शूज़ का वगैरह का शौक़ होता है, ब्रांडेड बैग्स का शौक़ होता है, मुझे परफ्यूम्स का शौक़ है। तो अगर आपको भी मेरी तरह परफ्यूम्स एंड बॉडी स्प्रेस का शौक़ है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, और फिर सब्सक्राइब भी कर दें इस चैनल को। और भी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, बैथ एंड बॉडी वर्क्स की भी हैं और विक्टोरिया सीक्रेट की भी हैं, शावर जेल्स वगैरह की भी हैं, तो फील फ्री टू वॉच दोज वीडियोस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं 5 और 6 जो हैं वो अपने फेवरेट विक्टोरिया सीक्रेट के बना दूंगी, माय रिकमेंडेशंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, वेलकम, आप सबको वेलकम। अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, नीचे कमेंट किया करें ताकि मैं आपसे और बात कर सकूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, और अब आप लोग फैमिली बन चुके हैं। तो कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।